हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। बीजेपी और जेजेपी के बीच बात बिगड़ गई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये सब बहुत आसानी से नहीं हुआ। इस घटनाक्रम में किसी की नाराजगी भी दिखी, लेकिन कोशिश की गई कि उस नाराजगी से खेल ना बिगड़ पाए। तो हरियाणा में जो हुआ है उसके पीछे बीजेपी की सोच आखिर है क्या, चलिए इस पूरी सियासत को जरा बारीकी से समझ लेते हैं। साथ ही नए सीएम के बारे में भी कुछ बड़ी बातें जान लेते हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो 12 मार्च को खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीएम पद के लिए सैनी के नाम का ऐलान हो गया। सैनी ने 12 मार्च की शाम को ही सीएम के तौर पर शपथ भी ले ली। सैनी को खट्टर का करीबी माना जाता है। अक्टूबर के अंत में मुख्यमंत्री के रूप में खट्टर का दूसरा कार्यकाल खत्म होना था, मगर उससे पहले ही उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। वजह यही है कि खट्टर अब सीएम के तौर पर बहुत प्रभावी नहीं दिख रहे थे। हालांकि आधिकारिक दलील ये है कि नए चेहरों को मौका देना बीजेपी की परंपरा रही है। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। पिछले साल अक्टूबर में ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस बदलाव को ओबीसी समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बीजेपी के प्रयास के तौर पर भी देखा गया था। आपको ये भी बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी जाट समुदाय की है, मगर माना जाता है कि इस समुदाय का वोट कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी के बीच बढ़ जाता है। सैनी ने प्रदेश संगठन में कई पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। वो बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने अंबाला इकाई का जिला अध्यक्ष बनाया था और फिर साल 2014 में वो नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। वो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। साल 2019 में वो कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई तो उसने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस सरकार में बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। खट्टर पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बात जेजेपी की करें तो उसे लेकर खबरें आई थी कि वो लोकसभा चुनाव में हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी दोनों सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने राज्य की सभी 10 सीट पर जीत हासिल की थी। इस मामले पर खट्टर का बयान भी सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूं तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है, इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे, उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं। तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं, उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूं कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। इस पूरे घटनाक्रम में खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। हालांकि बाद में अनिल विज का ये बयान भी सामने आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य बदल गया
लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। तो हरियाणा में बीजेपी ने जो कदम उठाए हैं वो उसके पक्ष में गए हैं या नहीं, ये तो चुनाव से ही पता चलेगा और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा।